अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं आपका होस्ट नासिर हुसैन। आज मैं जिक्र कर रहा हूं प्रिसन 32, 34 और प्रिसन 40 के बारे में। ये वो प्रिसन है जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सराउंडिंग में आते हैं, 250 स्क्वायर यार्ड के प्रिसन्स। सबसे पहले मैं इनके रेट्स की बात करूँ तो प्रिसन 32 जो है वहाँ पर अभी भी रेट जो है 65 to 75 lakh तक वहाँ पे आपको एक 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अलॉटमेंट के साथ मिल जाता है। और इसी तरह प्रिसन 34 जो बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ है, उसमें अगर प्लॉट लेते हैं तकरीबन कोई 85 to 1 crore तक वहाँ पे प्लॉट मिलता है। इसी तरह जो 34 के बिल्कुल साथ वाला प्रिसन है 40, और वहाँ पर इस वक्त का जो रेट है तकरीबन कोई 80 to 95 के राउंड अबाउट आपको प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, 40 भी कम्प्लीटली डिवेल्प है, वहाँ पे भी आपको अलॉटमेंट के साथ प्लॉट मिलता है। 34 भी कम्प्लीटली डिवेल्प है, लेवल का प्रिसेंट है, कोई इसमें डेप्थ हाइटेड या इस तरह का सीन नहीं है, और मेन जना को फेस करता है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस करता है। इसलिए प्रिसन 32 और प्रिसन 40 की नस्बत प्रिसन 34 की वैल्यू ज़्यादा है। प्रिसन 32 में देखें तो अभी कुछ विलाज वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्ट हैं, बन रहे हैं, और इनमें रेट भी मुनासिब है। जो लोग रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल पास और करीब अपना घर बनाना चाहते हैं और एक रीज़नेबल अमाउंट में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वो प्रिसन 32 में भी मूव हो सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और जो बिल्कुल चाहते हैं कि हमने रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ रहना है, वो 34 में मूव हो सकते हैं। और इसी तरह अगर बजट को देखते हुए हम प्रिसन 40 में चले जाएँ तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। प्रिसन 34 को क्रॉस करते हुए प्रिसन 40, जिसमें टू कटिंग्स हैं, जिसमें 250 स्क्वायर यार्ड की और 500 स्क्वायर यार्ड की, तो 250 स्क्वायर यार्ड की जो कटिंग है वो बिल्कुल मेंजना के साथ लगती है, जबकि 500 स्क्वायर यार्ड की जो कटिंग है वो बैक साइड में पड़ जाती है। सराउंडिंग की बात करूँ तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एफल टावर इनके बिल्कुल पास है, दोनों इसकी फेमस प्लेस है बहरिया टाउन की। और कहा जा रहा है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में तकरीबन 2023 या 24 के दरमियान में ये यहाँ पे PSL जो है वहाँ पे आएगा, मतलब कि होगा। तो अभी 2022 चल रहा है तो थोड़ा टाइम है, अभी भी इन्वेस्टमेंट का वक्त है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट की जाए इन तीन प्रिसेंट्स में, तो आप जो है एक साल के बाद या जैसे ही रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बाद होगा उसके बाद आप अच्छी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट अभी भी कुछ लोग कहते हैं मार्केट डाउन हो चुकी है, मार्केट एक जगह पे स्टिल है, रुकी हुई है, तो अब भी इन्वेस्टमेंट का वक्त है कि आप इस जगह में चीज़ ख़रीद लें, क्योंकि अभी रेट्स जो हैं वो स्टिल है। तो अगर वक्त के बाद ये रेट ऊपर जाते हैं तो छोटी ईद के बाद, या फिर कहा जाता है छोटी ईद के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो अभी का वक्त है कि अभी चीज़ ख़रीद लें और छोटी ईद के बाद आपको इसकी रीज़नेबल अमाउंट मिल जाएगी, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।